Hello students, in this video we are starting with the first division of kingdom plantae, that is thallophyta. हम लोगों ने देखा था कि जो kingdom plantae है उसके जो major five क्या हैं, divisions हैं. divisions मतलब phylum. ठीक है, kingdom, phylum, class, order, family, genus, ये hierarchy होता है. तो same जो phylum होता है, किसी भी kingdom के जो phylum होते हैं plants के अंदर, उसको division बोला जाता है. प्लांट किंगडम के जितने भी फाइलम्स होंगे हम उनको क्या बोलते हैं, एज इन प्लांट के केस में डिवीजन बोलते हैं. सो हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा डिवीजन थैलोफाइटा किंगडम प्लांटे के अंदर. देखिए, थैलोफाइटा जो है वो नॉन वस्कुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो नॉन वस्कुलर होंगे. इसके अलावा इनको थैलो मतलब इनका जो बॉडी होता है वो थैलॉइड होता है. थैलॉइड बॉडी होता है इनका. और इसको थैलॉइड बॉडी का मतलब क्या है, इनका बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होता. व्हाट, इनका बॉडी जो है वो नॉट डिफरेंशिएटेड इनका बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता. डिफरेंशिएशन का मतलब, देखो जब भी हमारे दिमाग में आता है प्लांट, तो प्लांट से हम क्या समझते हैं, कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर होगा विच इज हैविंग द रूट लाइक स्ट्रक्चर, द ट्रंक दैट इज द स्टेम एंड हैविंग अ यू नो द ब्रांचेज एंड द लीव्स. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में आता है जब भी हम सोचते हैं कि क्या होगा, प्लांट होगा जब भी, या फिर कोई ट्री या प्लांट का बारे में हमारे दिमाग में बात आती है. बट यहाँ इस केस में जो थैलोफाइटा वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, थैलॉइड होते हैं. थैलॉइड मींस इनका जो बॉडी है वो ट्रू प्लांट लाइक नहीं दिखेगा. प्लांट लाइक मतलब वो डिफरेंशिएटेड नहीं होगा इनटू, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स. ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा. सिंपल थैलॉइड सा स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा ग्रीन कलर का. दे जस्ट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, जो नॉर्मल यू नो एक मेन कैरेक्टर है प्लांट का, वो परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ आपको थैलोफाइटा जो नाम है इस किंगडम का, वो चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम लोग इनको थैलोफाइटा क्यों बोल रहे हैं. ठीक है, बिकॉज दे आर हैविंग थैलॉइड बॉडी, मीन्स देयर बॉडी इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स. दे आर नॉट हैविंग दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. दे आर जस्ट अ सिंपल सेट लाइक थैलॉइड बॉडी, थैले जैसी. इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है ये नॉन वस्कुलर है. नॉन वस्कुलर मतलब जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं, जो वस्कुलर टिश्यू होता है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर नॉट देयर इन दैम, है ना. तो जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो नहीं होता है इनके अंदर. व्हाई, बिकॉज द रीजन बिहाइंड दैट इज एज इन दे आर वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स. दे आर वेरी सिंपल और वेरी लो लेवल ऑफ यू नो प्लांट्स. देयर बॉडी इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इंटू रूट स्टेम एंड लीव्स. Hence, they are not require any conducting tissue. इनका बॉडी यू नो थैलॉइड है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ये नॉर्मली स्प्रेड रहते हैं, तो वहीं से ही वाटर को सीधा एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो इनका हाइट तो कुछ है नहीं ग्राउंड से कि इनको कोई कंडक्टिंग टिश्यू चाहिए वाटर पहुँचाने के लिए. दैट्स वाई दे आर नॉट हैविंग एनी वस्क्यूलर बंडल्स लाइक जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, नेक्स्ट थिंग है मेन प्लांट बॉडी जो इनका होता है वो होता है गैमिटोफाइटिक, और वी कैन से हैप्लॉइड. नाउ इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आप इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखिए कि गैमेटोफाइट जो बॉडी होती है, इट मींस वो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है. इफ़ आई एम सेइंग आई एम गैमेटोफाइटिक, मेरा जो मेन बॉडी है वो गैमेटोफाइटिक है, मतलब मेरी पूरी जो बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो एन कंडीशन में है. ठीक है, तो मेरा पूरा मेन बॉडी क्या हो गया, गैमेटोफाइटिक हो गया. बट स्पोरोफाइटिक कंडीशन वो होती है जो 2N कंडीशन होती है. स्पोरोफाइटिक कंडीशन इज 2N. तो अभी क्या समझना है, गैमेटोफाइटिक कंडीशन इज N. गैमिट्स, गैमेटोफाइटिक जो टर्म है कहाँ से आया, गैमिट्स से आया. और जो गैमिट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, N होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. ठीक है, तो गैमेटोफाइट मीन्स हैप्लॉइड और स्पोरोफाइटिक मतलब 2N, दैट इज डिप्लॉइड. ये टर्म याद रखना. इसके बाद अगर देखो कोई भी बॉडी, मैंने बोला अगर हैप्लॉइड है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी अगर हैप्लॉइड है, तो उसको गैमिट बनाने के लिए, गैमिट हमेशा क्या होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे, गैमिट बनाने के लिए कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा. मैंने बोला था ये चीज़ बहुत बेसिक है, ये आप शुरू से ध्यान रखिए कि एक चीज़ तो बिल्कुल दिमाग में रट लीजिए कि गैमिट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, जायगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है. और इसी के बेसिस पे
जैसा ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, फिर उसको अगर गैमिट बनाना है या फिर उसको जायगोट बनाना है तो इसी बेसिस पर डिविजन्स होंगे। मैंने बोला था कि माइटोसिस डिविजन होना है या मियोसिस होना है। सो इफ़ अगर इनकी बॉडी, मैंने बोला ये जनरली क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, इनकी मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है, दैट मीन्स गैमेटोफाइटिक। अब से हम लोग टर्म गैमेटोफाइट यूज़ करेंगे, हैप्लॉइड टर्म यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। तो इनका बॉडी हैप्लॉइड है और इनको गैमिट्स बनाने के लिए, जब भी ये गैमिट बनाएंगे तो कौन सा डिविजन करना पड़ेगा बेटा? ऑफ कोर्स माइटोसिस। व्हाई माइटोसिस? बिकॉज नंबर सेम रखना है, गैमिट्स भी हमेशा एन बनने, तो एन से एन डिविजन होना है, तो कौन सा डिविजन होना चाहिए? माइटोसिस होना चाहिए। अब नाउ दो गैमिट मिलेंगे, टू इन जायगोट बन गया। जायगोट हमेशा टू इन ही होता है, मैंने बोला था किसी का भी जायगोट हो, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट ऑल द गैमिट्स है ना ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और ऑल द यू नो जायगोट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म दे आर ऑलवेज द गैमिट विल ऑलवेज बी हैप्लॉइड एंड द जायगोट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी डिप्लॉइड इन एनी केस है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जायगोट नाम ले दिया मतलब वो टू इन होगा, ठीक है। अब जायगोट से, जब जायगोट से वापस से पेरेंट बॉडी बनती है, ऐसा ही ऑर्गेनिज्म बनेगा और मेन बॉडी क्या बननी है? एन बननी है। वापस से जब 2N से ये जब जायगोट बड़ा होके अपनी पेरेंट बॉडी बनाएगा, N बनाना है इसको, क्योंकि पेरेंट बॉडी तो N रहनी है। अब जैसे हम लोग हैं, हम 2N हैं, ठीक है, हम डिप्लॉइड हैं, तो मैं डिप्लॉइड हूँ या फिर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है वो क्या करेगा, अपने गैमिट्स कैसे बनाएगा? हैप्लॉइड, अपनी गैमिट्स उसको हैप्लॉइड बनाना है तो कौन सा डिविजन करेगा? मियोसिस करेगा, जिससे कि हाफ नंबर हो जाएगा। अब गैमिट्स N बन गए, देन जायगोट कैसे बनेगा? 2N। अब 2N zygote से उसको 2N ही बॉडी बनाना है, बिकॉज अगर ह्यूमन का बच्चा है तो 2N ही बनना है, अब रिडक्शन नहीं होगा नंबर में, ध्यान रखना। तो सेम ऐसे इनका जो मेन बॉडी है वही मेन बॉडी लास्ट में नए ऑर्गेनिज्म का भी बनना चाहिए। तो ये N है मतलब हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड नया ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए। तो उसके लिए अब कौन सा डिविजन होगा? बिकॉज zygote तो हमारे पास 2N है, तो अब होगा मियोसिस। और मियोसिस से क्या हो जाएगा बेटा? 2N से N बन जाएगी बॉडी, ठीक है। Hence, ये चीज याद रखनी है, यहाँ पे क्या होता है? Zygotic meiosis होता है। इस टर्म को आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा बेटा, कि जो थैलोफाइट्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है? Zygotic meiosis, है ना। meiosis जनरली हमारे अंदर कब होगा? गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पे, बट इनके अंदर जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ऑर्गेनिज्म उनके अंदर zygotic meiosis होगा, और ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर गैमेटिक meiosis होता है जो डिप्लॉइड है। कि एक सिंपल सा कंसेप्ट है, एक बार आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है, गैमिट हमेशा एन होना है और जायगोट हमेशा टू एन होना है। अब इसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म जैसा है, जिस प्लॉइडी का ऑर्गेनिज्म है उस हिसाब से वो डिविजन करेगा। वेरी सिंपल, कुछ भी हार्ड जैसा मुझे तो नहीं लग रहा है, आई थिंक आपको भी ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो बार बार इस चीज़ को मैं इसीलिए बार बार एम्फिसाइज करती हूँ, बिकॉज पूरे चैप्टर में जहाँ जहाँ आप सेक्शुअल या फिर रिप्रोडक्शन वाली बात करोगे यहाँ वो चीज़ आएगी आएगी, ठीक है। तो इनके पूरे लाइफ साइकिल में आप अगर देखो तो ये जो 2N वाली चीज है वो सिर्फ जायगोट होता है, जायगोट 2N होता है, बाकी सब चीज N होती है। N ये खुद है, N ही अपने गैमिट्स बनाएंगे, ठीक है, और N कंडीशन में बाकी कोई भी सेल होगी इनकी बॉडी में वो सब N कंडीशन की होंगी। बस जब पहली बार जब यू नो फर्टिलाइजेशन होगा तब जो जायगोट बनेगा ना वो जायगोट ही बस क्या होगा? 2N कंडीशन में होगा, दैट इज डिप्लॉइड। अब वो जायगोट वापस से रिडक्शनल डिवीजन करके मियोसिस करके फिर से N कंडीशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मियोसिस हमेशा पता है रिडक्शन करवाती है, ठीक है, तो मियोसिस करके फिर क्या हो जाएगा? N कंडीशन के अंदर आ जाएगा। मतलब पूरे लाइफ साइकिल में अगर देखा जाए तो 2N जो है मतलब स्पोरोफाइटिक जो फेज है वो बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होती है, तो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं मानते हम इसको। तो मेन जो लाइफ साइकिल में जो मेन स्टेज होती है वो कौन सी होती है? गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है। ये चीज़ मैं अभी इसलिए समझा रही हूँ, चैप्टर में आगे चीज़ें बार बार आएंगी, तो एक बार आप लोग क्या आपको पता हो कि अच्छा क्या टर्म है, क्या चीज़ें हैं, एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर रहे। नाउ तो हमने क्या बोला, इनकी जो थैलोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी होती है बेटा वो क्या होती है? गैमेटोफाइटिक होती है, मतलब हैप्लॉइड होती है। अब हैप्लॉइड, कोई भी हैप्लॉइड बॉडी है तो आपके दिमाग में पूरा जो साइकिल है वो अपने आप चल जाना चाहिए। हैप्लॉइड है, अच्छा अब बच्चे कैसे, मतलब जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? एन बनने हैं, मतलब माइटोसिस होगा, बाद में जायगोट 2N बनेगा, उसके बाद जाके क्या होगा? मियोसिस होगा। तो ये अपने आप में आप कहानी क्लियर हो जानी चाहिए जैसे ही आपको ऑर्गेनिज्म बताया कि वो गैमेटोफाइट है, ठीक है। नाउ कुछ ऑर्गेनिज्म थैलोफाइटा के अंदर ऐसे भी होते हैं, लाइक जो ब्राउन एल्गी जो होता है, फियोफाइसी जो होता है क्लास, वो है स्पोरोफाइटिक कंडीशन में रहते हैं, मतलब वो 2N, उनका मेन बॉडी 2N होता है, तो उनका लाइफ साइकिल इनसे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा।
उनके लाइफ साइकिल में बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए एन कंडीशन आएगी, सिर्फ जब गैमेट फॉर्म होंगे, बाकी टू एन कंडीशन रहेगी। जबकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म गैमेटोफाइटिक कंडीशन में है, उसकी लाइफ साइकिल के अंदर स्पोरोफाइटिक कंडीशन जो होगी बेटा, वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आएगी। इसीलिए बोला जाता है कि जो थैलोफाइट्स होते हैं मेनली, जनरल तो यही है, ये तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो जनरली इनकी जो बॉडी है या इनका जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक होता है। हैप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड स्टेज लाइफ साइकिल में बहुत ज़्यादा है, डिप्लॉइड स्टेज या फिर स्पोरोफाइटिक स्टेज जो है वो बहुत कम है। ये टर्म्स अभी क्लियर कर लीजिएगा, गैमेटोफाइटिक एन, स्पोरोफाइटिक टू एन, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, जायगोटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ईजी है, यहाँ पे कैसी लाइफ साइकिल होगी, डिप्लॉन्टिक होगी, यहाँ पे हैप्लॉन्टिक। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बाद में इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ अगर बात करें कि इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो बेटा यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल्ड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स ही यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक ही सेल का ऑर्गन है, ठीक है, और वो नॉन जैकेटेड होते हैं। जैकेट मतलब देखो, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो जैकेटेड होते हैं, मतलब कवर्ड होते हैं बाय सम सेल्स, ठीक है, बट यहाँ पे कोई ऐसा कवरिंग नहीं होता। जैकेट मीन्स एक कवरिंग की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं होती, दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन दे हैव। और इसके अंदर क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। नेक्स्ट चीज, अब एक्सेप्ट ऐसा सबके अंदर होता है, बट एक दैट इज कारा, एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड होते हैं, मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड होते हैं, तो ये एक्सेप्शन जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो तीनों तरीके से होता है, ये तीन तरीके मैंने आपको बता रखे हैं, इफ यू रिमेंबर, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओओगैमी। आइसोगैमी जब दोनों गैमेट क्या हों, सेम मॉर्फोलॉजी के हों, जेनेटिक्स तो डिफरेंट होगी बट मॉर्फोलॉजी इनकी सेम होगी। एनाइसोगैमस वो होंगे जिनकी मॉर्फोलॉजी जो है वो भी डिफरेंट होगी, और अनाइसो मतलब एकदम डिफरेंट, मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट होगी और जेनेटिक्स भी डिफरेंट होगी। फिर होते हैं ओगैमस, ओगैमस टाइप के अंदर हमेशा मेल जो है वो बड़ी होगी, लार्ज होगी और नॉन मोटाइल होगी, मेल जो होगा वो छोटा होगा और मोटाइल होगा, ये डिफरेंस होता है ओगैमी में। तो ओगैमी, अनाइसोगैमी और आइसोगैमी, ये क्या है कि किस टाइप के गैमेट फ्यूज होते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, इस बेसिस पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिंगैमी के हम लोगों ने टाइप्स बता रखे हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, ओके, और जायगोटिक मियोसिस आपको पता ही हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया है। नाउ ये तो क्या हो गया, थैलोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स हो गए। इसके बाद क्या होता है, थैलोफाइटा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं मेनली बेटा हमारे पास, वो है एल्गी। हम लोग थैलोफाइटा को ही एल्गी बोलते थे पहले, जब मतलब छोटे लेवल पे हम लोगों ने पढ़ा था, बट ध्यान रखिएगा थैलोफाइटा तो पूरे डिवीजन का नाम है। इसके अंदर जो मोस्ट मेन प्रोमिनेंट जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो एल्गी हैं, ठीक है, वो क्या है इसके अंदर, एल्गी हैं। नाउ अब ये कैरेक्टर आप एल्गी के भी मान सकते हो, थैलोफाइटा के भी, एक ही बात है, बिकॉज इसके अंदर सोलो मेंबर एल्गी ही है, थैलोफाइटा के अंदर जो मेंबर्स हैं वो एल्गी हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, जो टर्म एल्गी है बेटा वो लिनियस ने दिया था सबसे पहली बार, ठीक है, और एल्गी की जो स्टडी है वो कहलाती है एल्गोलॉजी, और वी कैन से फाइकोलॉजी, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। अब कुछ कैरेक्टर्स की हम लोग बात करते हैं जनरल, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, सेलियंट फीचर, जनरल कैरेक्टर्स की हम लोग बात करें कि एल्गास के अंदर क्या जनरल कैरेक्टर होंगे सबके अंदर, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें हैबिटेट की, तो इनका जो हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक मोस्ट प्रोमिनेंटली, ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंटली जो होता है, पिक्यूलियर जो चीज़ है वो एक्वेटिक है, मतलब जनरली ये एक्वेटिक हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं, बट दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन मॉइस्ट सॉइल ऑल्सो, ठीक है, मॉइस्ट स्टोन ऑल्सो, ठीक है। इसके अलावा ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी मिलते हैं, आपने लाइकिन पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, हम लोगों ने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जब हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइकिन, माइकोराइजे, तब आपने पढ़ा होगा, जो एल्गे होता है वो एसोसिएशन शो करता है फंजाई के साथ इन लाइकिन्स, लाइकिन फॉर्म करता है। नेक्स्ट थिंग है आपका, इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं, मतलब यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, तो जनरली तो ये क्या होते हैं,
मतलब इनके अंदर थोड़ा सा, वैसे जनरली ये यूनिसेलुलर ही होते हैं, बट इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। जनरली तो मल्टीसेलुलर हम बात करते हैं कि देखने, मतलब हम लोग अगर पूरे इनकी बात करें, पूरे किंगडम प्लांटे की, तो हम लोगों ने बोला था मल्टीसेलुलर होंगे, बट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ फिलामेंटियस हैं, ठीक है, कुछ आपका क्या कर रहे हैं, पेरेन्काइमेटस हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है बॉडी का, ध्यान रखना। तो यूनिसेलुलर भी होते हैं, जनरली मल्टीसेलुलर ध्यान रखना। कुछ एक्सेप्शंस क्या हैं हमारे पास यूनिसेलुलर, एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ठीक है, एसिटोबुलेरिया, ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर। एंड ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिशन बेसिस पे भी, या फिर वन मार्क क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है ये, इनके इसके अलावा यूनिसेलुलर भी होते हैं और कुछ कॉलोनी में भी मिलते हैं, मतलब है तो यूनिसेलुलर बट उन्होंने कॉलोनी फॉर्म कर रखी है और वो ऐसे ही हमेशा दिखते हैं कॉलोनी में। ऐसा का एग्जांपल है वॉलवॉक्स, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में फर्दर डिस्कस करेंगे अच्छे से, बट देन ऑल्सो एक बार अगर हम लोग जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कुछ फिलामेंटियस होते हैं, फिलामेंटियस मतलब लॉन्ग थ्रेड लाइक, धागे जैसे, ठीक है। ऐसे कौन कौन से, ऐसे में भी दो टाइप होते हैं, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। एक तो ब्रांच्ड होंगे, ब्रांचिंग निकली हुई है पूरी, एक सिंपल फिलामेंट लाइक। तो ब्रांच्ड जो होते हैं उसमें आता है क्लेडोफोरा, ठीक है, और जो अनब्रांच्ड होते हैं, जो अनब्रांच होते हैं उनमें आता है हमारा स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स, ठीक है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, ये दो किसके एग्जाम्पल है, अनब्रांच फिलामेंटियस, और ब्रांच फिलामेंटियस का एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। नेक्स्ट थिंग इज इनमें से कुछ पेरेन्काइमेटस भी होते हैं, मींस इनकी जो सेल्स हैं वो पेरेन्काइमा ओरिजिन की हैं, और ऐसे जो एल्गी हैं उसका एग्जांपल है हमारे पास अल्वा, ठीक है। और ये ध्यान रखना एक चीज, जो भी पेरेन्काइमेटस सेल्स मिलेंगी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब किसी भी एल्गी के अंदर, तो वो ईडेबल होगा। दैट्स वाई जो अल्वा होता है वो क्या होता है, ईडेबल होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम लोग, ये तो हम लोगों ने दो ही कैरेक्टर मेनली डिस्कस किए हैं अभी, हैबिटेट और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ विल डिस्कस अदर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ दिस एल्गी ओनली। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स हम लोग डिस्कस करते हैं एल्गी के। इसके बाद जो थर्ड कैरेक्टर है वो है हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो एल्गी के केस में होगा वो क्या होता है, हमेशा ऑटोट्रॉफिक होगा वीनो, बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर फूड बाय देयर ओन एज दे आर हैविंग यू नो सच पिगमेंट्स, ओके, विच कैन ट्रैप द लाइट। द नेक्स्ट थिंग इज इनके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो। ओके, सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मैंने आपको बताया था कि स्पोर्स को छोड़ के जितना भी रिप्रोडक्शन आएगा उसको हम लोग, जितना भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्पोर फॉर्मेशन को छोड़ के, उस सारे को हम लोग वेजिटेटिव बोलते हैं। और जो मेनली जो स्पोर फॉर्मेशन वाला जो रिप्रोडक्शन आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको ही एसेक्सुअल की कैटेगरी में डालते हैं। ये वाला कैटेगराइजेशन हम लोगों ने फंजाई से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंडर दो टाइप का रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं ये वेजिटेटिव में, बाइनरी फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मोस्टली फिलामेंटियस फॉर्म जो होती है एल्गी की वो करते हैं, ठीक है। अब ये समझाने की जरूरत नहीं है, यू नो वेरी वेल नाउ बाइनरी फ्यूजन एंड व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज बाय स्पोर फॉर्मेशन, और स्पोर जो है इनके अंदर वो दोनों टाइप के बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर भी, सॉरी हाँ, स्पोर्स जो होते हैं इनके अंदर वो दोनों टाइप के बनते हैं, मोटाइल भी और नॉन मोटाइल भी। तो सबसे पहले जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, ऐसे स्पोर्स को हम लोग माइटोस्पोर्स बोलते हैं। व्हाई माइटोस्पोर? बिकॉज ये स्पोर माइटोसिस से बनते हैं, और जो मियोसिस से जो स्पोर बनते हैं वो सेक्सुअल स्पोर होते हैं, ठीक है। तो द रीजन बिहाइंड व्हाई वी कॉल द एसेक्सुअल स्पोर एज माइटोस्पोर माइटोस्पोर बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन दैट इज माइटोसिस। नाउ ऐसे का एग्जाम्पल, ऐसे स्पोर्स का एग्जाम्पल होता है हमारे पास जू स्पोर्स, ए प्लानोस्पोर्स, ठीक है, हैप्नोस्पोर्स और एकाइनेटीज। ये जो एकाइनेटीज एंड हैप्नोस्पोर्स होते हैं स्पेशल टाइप के स्पोर्स हैं जिनके अंदर थिकनिंग, ये बहुत अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बनते हैं, दोनों अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर फॉर्म होते हैं, ठीक है, बहुत थिक कवरिंग के साथ रहते हैं। जो एक्सेसिव जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो हाईली यू नो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनको टॉलरेट करने के लिए,
ठीक है, हार्श कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर होते हैं जो स्पेशल टाइप ऑफ कवरिंग से यू नो फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट थिंग इज, इसके बाद जो थर्ड टाइप है रिप्रोडक्शन का वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बहुत प्रोमिनेंट है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का मैंने बताया था, आइसोगैमी भी होता है, एनआईसो भी होता है, ओगैमी भी होता है. व्हाट इज आइसोगैमी? जिसके अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट जेनेटिकली की तो डिसिमिलर होंगे, बिकॉज एक मेल होगा एक फीमेल होगा तो जेनेटिक्स तो डिफरेंट है, बट मॉर्फोलॉजी दोनों की सेम होगी, दोनों इक्वल दिखेंगे हमें. ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सेम होते हैं. एग्जाम्पल है इनका, लाइक एक ऐसा है एंड दूसरा ऐसा है, सेम. ये थोड़ा सा बनाने में ऐसे बनेंगे, दोनों फिलामेंटियस भी हो सकते हैं या दोनों नॉन, सॉरी, दोनों विद फ्लैजेला भी हो सकते हैं और दोनों विदाउट फ्लैजेला भी हो सकते हैं, बट दोनों होंगे. ऐसा नहीं एक फ्लैजेला के साथ है तो एक बिना फ्लैजेला के होगा, दोनों सेम होने हैं, चाहे विद फ्लैजेला हो जाओ या फिर विदाउट फ्लैजेला. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास क्लमाइडोमोनास, ठीक है, स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स. ये हमारे क्या है, एग्जाम्पल है. स्पायरोगायरा जो होता है वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं इसके दोनों, और जो हमारे यूलोथ्रिक्स है इसके दोनों फ्लैजिलेटेड होते हैं. ठीक है, इसके बाद ये क्या हो गया, आइसोगेमस हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. नाउ अनआइसोगेमस, अनआइसोगेमस आपको पता है जब दोनों जो फ्यूज करने वाले गैमेट्स हैं वो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के हों. इसके अंदर क्या होगी, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिक्स तो डिफरेंट होगी ही. ठीक है, तो एक मोटाइल हो सकता है, एक नॉन मोटाइल हो सकता है, या फिर एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, दोनों मोटाइल हो सकते हैं. किसी भी तरीके से दोनों की साइज के अंदर कोई ना कोई शेप या साइज के अंदर डिफरेंस जरूर होगा. नेक्स्ट थिंग है ओगैमी या फिर ओगैमस. ओगैमस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा क्या होता है, एक जो फीमेल होता है, फीमेल गैमेट होगा, वो हमेशा नॉन मोटाइल एंड लार्ज होगा, जबकि जो मेल होगा वो कंपैरेटिवली स्मॉल एंड मोटाइल होगा, हैविंग फ्लैजेला. तो ये क्या होता है, एक खास बात होती है ओगैमस टाइप ऑफ यू नो ओगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. ठीक है, और इसके जो इनके जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो हमें, तो ये तो है क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास की एक और देखो, क्लेमाइडोमोनास की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती हैं. ठीक है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी जो है वो अनआइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करता है. ठीक है, क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा जो है वो ओगैमस टाइप करता है. इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, लाइक फ्यूकस हो गया, वॉल्वॉक्स हो गया. ठीक है, अनआइसोगेमस में और भी एग्जाम्पल्स हैं, यूडोरिना. ठीक है, तो ऐसे क्या है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं. ये आपको याद रखने हैं, एज एन जब भी आप आइसो अनआइसो ओगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन समझाओगे सो यू शुड नो द एग्जाम्पल्स एज वेल. नाउ अब हम लोग बात करेंगे लाइफ साइकिल के बारे में. मैंने इससे पहले एक चीज़ अच्छे से समझा दी, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक चीज़ें क्या हैं हमें पता है. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखो, इनके अंदर तीन टाइप की लाइफ साइकिल देखने को मिलती हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक. नाउ हैप्लॉन्टिक का मतलब, एक बार हम लोग थोड़ा इसको रब कर देते हैं. हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या होगा, मतलब इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेन बॉडी होगी वो क्या होगी, हमेशा हैप्लॉन्टिक के अंदर क्या होगा, मेन बॉडी, मेन जो ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड है, मतलब गैमेटोफाइट है. ठीक है, इससे क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे. ठीक है, गैमेट्स बनेंगे और गैमेट्स बनते टाइम पे जो डिवीजन होगा वो ऑफ कोर्स क्या होगा, माइटोसिस होगा. गैमेट्स जो हैं वो आगे क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जायगॉट बनेगा. और जायगॉट के अंदर फिर क्या होगा, मियोसिस. और मियोसिस होने के बाद क्या बन जाएगा हमारे पास,
वापस से मेन प्लांट बॉडी बन जाएगी। तो अगर देखा जाए तो पूरे लाइफ साइकिल में पूरा का पूरा जो पार्ट है वो क्या है हमारे पास, पूरा का पूरा जो पार्ट है हमारे पास मेनली वो क्या है लाइफ साइकिल के अंदर, हमारा हैप्लॉन्टिक पार्ट है। डिप्लॉइड पार्ट सिर्फ इतना सा है, जायगॉट बनेगा तब तक। और एक और मेन चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है। इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से लिख लो, बिकॉज सीधा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एल्गीज के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन कभी नहीं होता। जायगॉट से एम्ब्रियो बनता है, हम लोग एम्ब्रियो बनते हुए देखते हैं। जायगॉट के अंदर कुछ डिविजन्स होते हैं, ठीक है, और कुछ सेल्स एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसको एम्ब्रियो बोलते हैं, और फिर एम्ब्रियो से प्लांट बनेगा। यहाँ ऐसा नहीं होता, कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं, बिकॉज इसके बाद डायरेक्ट एक रिडक्शनल डिविजन होता है और नया जो बॉडी है वो बन जाती है, ठीक है। नाउ ये तो क्या हो गया हमारा हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आपके मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी जो हैं, हम लोग देखेंगे एल्गीज तीन टाइप के होते हैं बेटा, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, क्लोरोफाइसी, ठीक है, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। हम लोग आगे जब हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे इसकी, थैलोफाइटा डिवीजन की, तब हम लोग देखेंगे। अभी ये सिर्फ जनरल एक लाइफ साइकिल हम लोग देख रहे हैं। और डिप्लॉन्टिक की अगर बात करें तो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉन्टिक भी होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्यूकस एंड सर्गेसम, ये दोनों एग्जाम्पल हैं ब्राउन एल्गी के, ठीक है, ब्राउन एल्गी। और कॉलोरापा जो है वो एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी का, ठीक है। ये एग्जाम्पल प्लीज याद रखिएगा, बिकॉज एग्जाम्पल से बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल्स तो यू हैव टू बी, एक बार जब पूरा चैप्टर हो जाता है तो सारे एग्जाम्पल्स एक जगह हमें लिखने हैं कि ये रेड एल्गी के हैं, ये ग्रीन के हैं, ये ब्राउन के हैं, और इनके अंदर ये क्या है, इनके स्पेसिफिक फीचर्स हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक हमें समझ में आ गया, डिप्लॉन्टिक मेनली ब्राउन एल्गी में होता है। ब्राउन के हम लोगों ने दो यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, फ्यूकस, ठीक है, एंड सर्गेसम। और कॉलोरापा जो है वो एग्जाम्पल है किसका, ग्रीन एल्गी का, जो कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेंगे। डिप्लॉन्टिक मतलब जस्ट इसका उल्टा। डिप्लॉन्टिक के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, डिप्लॉन्टिक के अंदर मेन जो बॉडी है वो 2N रहेगी, ठीक है। 2N से क्या होगा, मियोसिस होगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, जायगॉटिक मियोसिस। मियोसिस किस टाइम पे हो रहा है पूरे लाइफ साइकिल में, जायगॉटिक मियोसिस। एंड इस केस के अंदर हैप्लॉन्टिक के अंदर, हैप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है इसके अंदर गैमेटोफाइटिक जो स्टेज है, एन वाली स्टेज, वो क्या है, गैमेटोफाइटिक जो स्टेज है वो क्या है, डोमिनेट है, डोमिनेटिंग है, डोमिनेट मतलब बड़ी है, बिकॉज यही सबसे ज्यादा है। देखो स्पोरोफाइट तो बेचारा 2N कंडीशन तो सिर्फ एक बार बनती है, तब जायगोट बनना है, और जायगोट बना हाथ के हाथ, फिर डिवीजन हो जाता है, फिर एन कंडीशन आ जाती है। तो 2N तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, इसलिए स्पोरोफाइटिक कंडीशन जो है बहुत छोटी और रिड्यूस्ड होती है, जबकि जो गैमेटोफाइटिक कंडीशन है, एन कंडीशन है, वो बहुत डोमिनेटिंग होती है। दैट्स व्हाई इसको हैप्लॉन्टिक, बिकॉज हैप्लॉइड लाइफ साइकिल मेनली देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट डिप्लॉन्टिक इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसके अंदर जो मेन ऑर्गेनिज्म है वही डिप्लॉइड है। अब वो डिप्लॉइड है तो पूरा लाइफ साइकिल ही उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे मियोसिस होगा, किस जगह पे, जिस जगह पे हमें गैमेट्स बनाने हैं। अब गैमेट्स बन गए, गैमेट्स से के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद वापस 2N बनेगा, और 2N से क्या होगा, फिर हमारा डिवीजन होगा, दैट इज, अब कैसा डिवीजन होगा यहाँ पे, माइटोसिस। मतलब इस केस के अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, गैमेटिक मियोसिस। मियोसिस जिस जगह पे हो रहा है वो है गैमेट्स, गैमेट बनते टाइम पे, बिकॉज 2N बॉडी है तो गैमेट तो एन बनाने, और ले देके हमें कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा, मियोसिस करना पड़ेगा। इट शुड बी, होना ही होगा, वरना तो फिर पूरा जेनेटिक्स बिगड़ जाएगा, ठीक है। और इस अगर पूरे लाइफ साइकिल में देखें तो हर जगह NN कंडीशन होती है, ठीक है, इससे डिफरेंट NN स्ट्रक्चर्स बनते हैं, पूरा बॉडी N होता है। और जो मेन सिर्फ जो एन कंडीशन है वो बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए आती है, ठीक है। इसलिए इस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। और इसके अंदर स्पोरोफाइटिक जो जनरेशन होती है, दैट इज
ये वाली जनरेशन स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो 2N जनरेशन है वो इंडिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइटिक जनरेशन से, इसके ऊपर डिपेंड नहीं होती, जबकि यहाँ पे जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है वो डिपेंड होती है इस पे। जायगोट अपने आप से थोड़ा बन जाएगा, जब स्पोरोफाइट जब गैमेटोफाइटिक जनरेशन अपने अंदर चेंजेस करेगी, फर्टिलाइजेशन करेगी, तभी तो जायगोट बनेगा, तभी तो स्पोरोफाइट बनेगा। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होता है ऑन द डोमिनेटिंग गैमेटोफाइटिक जनरेशन, बट हेयर इन द डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल द यू नो स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन, इस पर डिपेंड नहीं होती, बिकॉज मेन तो लाइफ साइकिल इसका है, डिपेंड तो किसको होना चाहिए, गैमेटोफाइटिक को होना चाहिए। ओके नेक्स्ट थिंग, सबसे लास्ट एक हमारे पास बचता है हैप्लोडिप्लोंटिक, नाम से समझ आ रहा है हैप्लॉइड भी है डिप्लॉइड भी है, दोनों सेम है। लाइफ साइकिल में आधा लाइफ साइकिल हैप्लॉइड रहता है वो प्लांट और आधा डिप्लोंटिक मतलब पार्ट रहता है उसका लाइक बट नाम से याद रखना। देखो दो टाइप आप आगे पढ़ोगे, खैर इसमें तो नहीं है, हैप्लो डिप्लोंटिक एक होता है डिप्लो हैप्लोंटिक, तो जो वर्ड पहले आ रहा है वो मेन बॉडी है, मतलब वहाँ से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो रहा है। हैप्लो मतलब मेन बॉडी, एन है हैप्लॉइड, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, वही सेम माइटोसिस होके क्या बन जाएगा, पहले माइटोसिस होके क्या बनेगा, गैमेट्स बनेंगे, ये गैमेट्स स्पोर्स वगैरह बना बना के रिप्रोडक्शन अपना अलग से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्स बन जाएंगे और स्पोर्स भी क्या होते हैं, एन कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। स्पोर्स के बाद में अब स्पोर्स अगर करना चाहें या फिर पहले स्पोर बने बाद में गैमेट बने, एक ही बात है, और वो क्या करें फर्टिलाइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, 2N कंडीशन जायगॉट, और जायगॉट के बाद जायगॉट जो है वो फर्दर जायगॉटिक कंडीशन में रहेगा, या इसके बाद और भी 2N मतलब जो प्लांट रहेगा वो 2N कंडीशन में ही रहेगा, कुछ अलग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो 2N ही रहेंगे, वो डिफरेंट नाम दिया जाता है, कुछ 2N स्ट्रक्चर्स रहेंगे और फिर जाके वापस से मियोसिस होके मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड बनेगा। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो आधा डिप्लोंटिक होता, आधा हैप्लोंटिक होता है, आधा डिप्लोंटिक होता है, ठीक है। दैट्स वाई हैप्लोडिप्लोंटिक बराबर, और दोनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये जो गैमेटोफाइटिक प्लांट ही अलग तरीके से रह सकता है और जो ये स्पोरोफाइटिक प्लांट है वो अलग रह सकता है। गैमेटोफाइटिक प्लांट कुछ स्पोर बना के स्पोरोफाइटिक जनरेशन के अंदर एंटर करेगा, देन फिर वो वापस से रिडक्शनल डिवीजन करके स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन के अंदर दूसरी लाइफ साइकिल के अंदर वापस एंटर कर जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इज इट ओके नाउ, बहुत ईजी है। एंड द एग्जाम्पल्स आर क्लैडोफोरा अल्वा, ये क्या है, ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है, ग्रीन एल्गी, ठीक है। एक्टोकार्पस एंड लैमिनेरिया, ये आपके ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हैं, ये भी याद रखना। वैसे हम लोग जब बढ़ेंगे ग्रीन एल्गी ब्राउन एल्गी जब उसकी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो चीज़ आपको इजीली याद हो जाएगी। ये किसका एग्जाम्पल है, पॉलीसाइफोनिया, ये है हमारे पास किसका, ग्रीन हो गया ब्राउन हो गया रेड एल्गी का, ठीक है, पॉलीसाइफोनिया। तो हमारे पास तीन एग्जाम्पल हैं, मतलब तीन कैटेगरीज हैं, दो क्लाइडोफोरा और अल्वा जो हैं वो क्या हैं, ग्रीन एल्गी हैं। एक्टोकार्पस और लैमिनेरिया जो हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, हमारे ब्राउन एल्गी के अंदर, और जो आपका पॉलीसाइफोनिया है वो हमारा किसके अंदर आ रहा है, रेड एल्गी के अंदर, ठीक है, पॉलीसाइफोनिया ना। और ये तीनों टाइप की लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी समझ लेंगे आपको चीज़ें ईजिली आगे याद हो जाएंगी। तो हम लोगों ने एल्गी के अंदर ध्यान रखना, अगर पूछें कि एल्गी की लाइफ साइकिल क्या होती है तो जनरली तो हैप्लोंटिक देखने को मिलती है, बट इनके अंदर डिप्लोंटिक भी एज वेल देखने को मिलेगी और हैप्लोडिप्लोंटिक भी देखने को मिलेगी। एंड द एग्जांपल्स आर एज वेल, आपको एग्जांपल भी एज इट इज़ याद रखने हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर यू नो थैलोफाइटा किंगडम, बहुत थैलोफाइटा डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं यहाँ से। सो टिल हेयर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एक जनरल कैरेक्टर पढ़ लिया है, एक जनरल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया है थैलोफाइटा का। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो विल बी गोइंग टू स्टार्ट यू नो डिस्कसिंग दी मेन क्लासेस ऑफ दिस डिवीजन थैलोफाइटा। थैलोफाइटा डिवीजन की जो मेजर क्लासेस हैं, तीन क्लास के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी रिस्पेक्टिवली। आपका क्या क्या रहेगा, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में एक एक जो आपका क्लास है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, विद देयर सम जनरल कैरेक्टर्स एंड द रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम, विद सम एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑल्सो, ठीक है, सारी चीज़ पढ़ेंगे। ये चीज़ आप एक बार पढ़ के नोट डाउन करके अच्छे नोट्स बना के फिर एनसीईआरटी से ज़रूर रीड कीजिएगा। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ एनसीईआरटी इज़ या
फर्स्ट प्रायोरिटी, शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। एनसीईआरटी की तो एक एक लाइन आपको रटी हुई होनी चाहिए। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। एंड देन ऑल्सो इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।